आप बार बार ताला चेक करते हैं, बार बार हाथ धोते रहते हैं, बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं स्नान करने को, या वही वही नकारात्मक विचार आने से आप एक ही जगह बैठ जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं, हो सकता है कि आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बीमारी है, ओसीडी के शिकार आप हो सकते हैं। आइए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यह एक मानसिक बीमारी है और भेजे में मतलब दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर जो रहते हैं हॉर्मोन्स, उसका इम्बैलेंस होने से ये हो सकती है। जिनकी पर्सनैलिटी, जिनका व्यक्तित्व पहले से ही ऑब्सेसिव वाला है, ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी है, उनको ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिनमें अनुवंशिकता है मतलब माँ पिताजी के तरफ से कोई ना कोई ये ओसीडी की बीमारी के लक्षण से ग्रसित है तो उनको भी ये बीमारी हो जाती है। अभी हम देखेंगे कि इसके लक्षण क्या है। एक तो क्या है कि आदमी पहले से ही, यह व्यक्ति पहले से ही बहुत साफ सुथरा रहता है, एकदम बार मतलब हाथ धोना बार बार और साफ सुथरा रहना, इनका घर एकदम टॉप टिप रहता है, एकदम क्लीन और नीट रहेगा इनका घर, चीज़ें एकदम जगह पे रहेंगी, उनको चलता नहीं कि इधर उधर कहीं चीज़ें डाली हुई तो, और बहुत ही मतलब ऐसा टिपिकल टाइम टू टाइम काम करना, ऐसा उनका एक ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी, परफेक्शनिस्टिक पर्सनैलिटी हम बोल सकते हैं उनको, ऐसी रहती है। वो बार बार चेक करते कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा पहले से रहता है, मगर वो किसी को तकलीफ नहीं देता, और किसी को तकलीफ नहीं होने की वजह से ये लोग चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इनको। और फिर ये जब बार बार चेक करते हैं, कन्फर्मेशन करते हैं, तो इसका मतलब इनका काम भी अच्छा होता है और ये लेवल पे अच्छे जाते हैं, ऊँचे लेवल पर चले जाते हैं अपने लाइफ में, क्योंकि इनका रिजल्ट अच्छा निकलता है जब वो चेक करेंगे बार बार। तो रिजल्ट अच्छे निकलेंगे तो उनकी तरक्की होती है। तो यूजुअली ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी वाले लोग सीईओ लेवल पर मिलते हैं, मगर ये जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर सब लोगों को परेशानी होती है, घर के लोगों को परेशानी हो जाती है और फिर तकलीफ होती है। अब इनके जो लक्षण रहते हैं वो कैसे रहते हैं? शुरुआत ऐसे हो जाती है कि उन्होंने कहीं कोई मतलब देहांत कहीं हो गया, मृत कोई व्यक्ति हो गया, वहाँ ये जाके आए और बाद में उनको लगा कि अरे वो बीमारी अपने को लग गई, एक वो हो सकता है। या फिर कोई कुत्ता आया, उसने कहीं कोई मुंह लगा दिया घर में और वहाँ से उनको शुरू हो जाता है, ऐसा कोई भी घटना हो जाती है। या कहीं वो उनका सेक्सुअल संबंध आया और तब से उनको दिमाग में आया कि मुझे HIV हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, ऐसे कुछ तो भी शुरू हो जाता है। और फिर एक के पीछे एक निगेटिव विचार आते रहते हैं, और फिर ये विचार निकल जाना चाहिए, ये निकल जाना चाहिए, इसलिए फिर वो कुछ ना कुछ कृत्य करते हैं, कंपल्शन करते हैं, एक्ट करते हैं, तो इसलिए उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऐसा कहा जाता है। अब ये महिला और पुरुष दोनों में भी होती है, और 100 में से 2 लोग इससे ग्रसित है समझ के चलो, ऑन एन एवरेज मतलब 2% लोग, और उसमें से 10-15% लोग ही दिमाग मतलब ऐसा समझते कि अपना दिमाग में प्रॉब्लम है तो भाई डॉक्टर की तरफ जाओ, मतलब हमारे तरफ जो लोग आते हैं वो बहुत ही कम है, क्योंकि इससे कोई खतरा तो नहीं है लाइफ को, तकलीफ होती रहती है, लोग खींचते रहते हैं, फिर बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तो हमारे पास में लाते हैं। जब लाते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉमनली जो है कि ये ड्रम के ड्रम पानी के बहाना मतलब बहाते जाता है, और ये ड्रम एक एक ड्रम पानी से नहाता है, ऐसे लोग लेके आते हैं, या बार बार इनको हाथ धोना पड़ता है, मतलब 2-2, 4-4 बकेट पानी से हाथ धोते रहते हैं, या नल चालू रखना पड़ता है हाथ धोते हैं तब, और जब वो नल बंद करते तो हाथ से बंद नहीं करेंगे, यहाँ से बंद करेंगे ताकि हाथ को ख़राब ना लगे। इनके कपड़े जब ये धोते हैं तो बोलते कि नहीं उसको निचोड़ना नहीं है कपड़ों को, वो ऐसी पानी से ये डाल देना है रस्सी के ऊपर, और जहाँ हाथ लगाए वहाँ से पानी नीचे आना चाहिए ताकि वो जहाँ हाथ लगाए वो भी साफ़ हो जाएगा। ताला ये लोग बार बार चेक करेंगे, कन्फर्म करते जाएंगे, गाड़ी का लॉक ये बार बार जाके कन्फर्म करते जाएंगे। भगवान के बारे में इनको विचार आते हैं, अर्थात सभी लोगों को ये सब नहीं रहता है, अलग अलग है, भगवान के बारे में विचार आते हैं तो ये बार बार प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना का क्रम इनका बदल गया तो उनको चलता नहीं, वही क्रम से प्रार्थना होनी चाहिए, एक के बाद में दूसरा भगवान, दूसरे के बाद में तीसरा भगवान, ऐसे ही क्रम से आना चाहिए। बार बार प्रार्थना करेंगे, बार बार क्षमा मांगेंगे भगवान से, भगवान नाराज नहीं होना चाहिए ऐसा उनको लगता है। फिर कुछ लोगों को भगवान के बारे में बुरे विचार आते हैं, वो देखते हैं भगवान के तरफ
लगता है कि भगवान के साथ में सेक्स करना चाहिए, देवी के साथ में सेक्स करना, मुझे मालूम क्या रही है ठीक नहीं है, मतलब उनको बहुत घबराहट होती है, विश्वास नहीं आता खुद के ऊपर, बोले ऐसा कैसा हो सकता है, और मगर विचार तो आ रहे हैं, करता कुछ भी नहीं है व्यक्ति, उसको सिर्फ ऑब्सेशन है। कुछ लोगों को विचार आता है कि भाई कोई व्यक्ति सामने आई, लेडी सामने आई, तो उसके स्तन की तरफ वो देख रहा है, ब्रेस्ट की तरफ वो देख रहा है, तो फिर लोग क्या बोलेंगे, वो लेडी क्या बोलेंगी, और इसलिए फिर वो लोग टालना चालू कर देते हैं कि भाई कोई सामने आ गए तो उनको लगता है कि वो लेडी के ब्रेस्ट की तरफ देख रहा है और देखने के विचार आते हैं उसको, या फिर उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ देखने के विचार आते, कोई आदमी सामने आए तो फिर उनको बहुत बुरा लगता है कि भाई ऐसा कैसा कोई किसने देख लिया कि भाई मेरे प्राइवेट पार्ट की तरफ देख लिया तो कैसा लगेगा उसको, है ना, तो वो टाल देता है उनको। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उनको घर के लोगों के साथ में सेक्स करने के विचार आते, मतलब माँ बहन ऐसे कोई भी घर की व्यक्ति होंगी सेक्स करने के विचार आते हैं, तो वो बार बार उसको लगता है कि अरे ये कैसा, ऐसा कैसा मैं सोच सकता हूँ, मगर विचार आ रहे हैं। उनको बार बार कुछ खोने का डर लगता है। अभी एक लेडी मेरे पास में आई तो उसको लगता है कि भाई बार बार उसका जो बच्चा है वो 2 साल का है और उसको खोने का डर, मतलब वो मर जाएगा, और वो मर जाएगा तो फिर मैं उसका गला खोद देती हूँ ताकि फिर इसने बोलना नहीं चाहिए कि भाई ये तुमने ख्याल नहीं दिया करके, और मैं बता दूंगी कि भाई ये मर गया वैसा, मतलब ऐसे कुछ तो भी ऐसा फालतू के एकदम इरेलेवेंट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, और भी लगता है कि मैं ऐसा कैसा गला घोट सकती हूँ मेरे बेटे का, तो मैं भी मर जाती हूँ, मतलब ऐसे विचार आते हैं। कुछ लोगों को बार बार हस्तमैथुन के विचार आते हैं, हैंड प्रैक्टिस करेंगे वो इतने बार करेंगे, 4 बार 5 बार 6 बार कि लिंग को छाले आ जाते हैं, उनको मजा भी नहीं आता मगर करना पड़ता है हस्तमैथुन। तो ये ऐसे काफ़ी सारे विचार आते रहते हैं। कोई लोगों को ऐसे विचार आते हैं कि कीटाणु है या कोई कीड़े हैं वो चमड़ी के नीचे जा रहे हैं, ऐसा उनको लगता है, उसको ज़ूपैथी भी बोलते हैं, या ऑब्सेसिव, मतलब ये ओवरलैप है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी हो सकता है। बार बार विचार आते हैं, उनको मालूम है कि ये कुछ नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई सिर में ऐसे कीड़े मकोड़े हैं। कुछ लोगों को बार बार विचार आते हैं कि भाई अपने बाल उखाड़ डालो, और फिर वो ऐसी कुछ लेडीज़ मेरे पास में लेके आई है कि पूरे के पूरे बाल उन्होंने उखाड़ दिए, फिर वो उखाड़ना नहीं चाहिए करके लोगों ने पूरी चाटी कर लिया, गंजा कर लिया लेडी को, अब कहाँ से उखाड़ेंगी, बाल ही नहीं है तो वो कम से कम आदत निकल जाएंगी। 2-4 महीने के बाद में जब बाल आना चालू हो गया अच्छे, फिर चालू किया उसने, क्योंकि वो बीमारी तो निकल नहीं गई। तो ऐसे आते रहते। फिर ये कुछ लोगों को लगता है कि भाई समाचार, ये ऐसे ये लोग हैं ना, इनका इनके घर में देखो पुराने पुराने बहुत किताबें रहेंगी, समाचार पत्र रहेंगे ऐसे गट्ठे के गट्ठे, पुराने बर्तन ऐसे जमा किए हुए रहेंगे और वो छोड़ेंगे नहीं, पुराने कपड़े, मतलब ऐसे जमा करने की और स्टोर करने की उनको आदत रहती है। ये निगेटिव विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, बार बार निगेटिव विचार आते हैं, और ज़्यादातर साफ सुथरा नहीं है, गंदगी है, हाथ को गंदगी लगी है, बदन को गंदगी लगी है, ऐसे विचार आते हैं। अब ये अकेले है तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब होता क्या है कि घर के लोगों को भी तकलीफ देना चालू कर देते हैं। लेडी रही तो हस्बैंड को, हस्बैंड रहा तो लेडी को, और तकलीफ मतलब ऐसा है कि उन्होंने कहीं हाथ लगाने का नहीं, उन्होंने बाहर से आया तो बाहर जूते उतारना, पहले बाहर बाथरूम बांधो एक अलग से, बाहर स्नान करो फिर अंदर आ जाओ, उसके सिवा घर में अंदर आने का नहीं। ये लेडीज समझो यदि ये रही जिसको ये प्रॉब्लम है, ये सेक्स करने से मना कर दी थी, हस्बैंड को बोलते नहीं वो गंदा है, मेरे को बहुत गंदगी लगती है, तो ये सेक्स बंद कर डालते हैं, सेक्स करती नहीं है क्योंकि उनको बहुत लगता है कि नहीं ये गंदा है, वो गंदगी आती है उसमें, तो वो हाथ लगाने देंगे नहीं, आसपास में आने देंगे नहीं किसी को, किसका टच हुआ तो उनको चलता नहीं है, अपना खाना खुद बना लेंगे, किसके हाथ का खाना नहीं खाएगी, ऐसे सब मतलब ज़्यादातर ये लोगों में गंदगी और साफ सुथरा रहना यही ज़्यादा रहता है ज़्यादातर। और बाद में फिर जो है वो तो मैंने बताया कि अलग 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 जो रहते विचार तो रहती है। तो अभी इसका इलाज कैसे करना, कारण हमने देखा कि न्यूरोट्रांसमीटर है, अनुवंशिक है, ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी उसकी वजह से होता है। अभी ये जो है ना, इसको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऐसा बोला तो बहुत अच्छा है। प्रिवेंशन मतलब ऐसा है कि देखो ये जब बीमारी शुरू होती है ना तो पहले दिखता है कि शुरू हो रही है करके, तभी हमने उसको बंद करना चाहिए। तो सब लोगों को ये एजुकेशन लेना जरूरी है कि ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी जिसकी है, जिसका व्यक्तित्व तो ही ऑब्सेसिव है, बार बार विचार करने वाला, साफ सुथरा रहने वाला, उसको ये ज़्यादा हो सकता है, तो उसने वो ख्याल रखना चाहिए कि भाई उसको ये करने देना नहीं, उसको अवेयर करना, उसको ना देख भाई तेरे को ये प्रॉब्लम है पर्सनैलिटी का, तो आगे चल के ऐसा बन सकता है, तो संभाल, अभी रिपीट नहीं करना, एक्शन नहीं लेना, और वहाँ के भाई उसको कोचिंग करना, काउंसिलिंग करना, ठीक करना। नंबर 1।
एक भूल गए मैं, बार 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 कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि पीछे मुड़ के देखना, पीछे मुड़ के देखना क्या हो रहा है, कौन है, तो ऐसा भी काफ़ी लोग देख, कुछ लोगों को लगता है कि कोई अपना मतलब कोई देख रहा है तो ऐसा ऐसा करेंगे वो। कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि बार 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 ऐसे पूछना, कन्फर्म करना कितने बज गए। एक मेरे पास में था, कितने बज गए, उसको बोलना 3 बज गए। अच्छा एक बार बता दो कितने बज गए, तो 3 बज गए। नहीं और एक बार बता दो कितने बज गए, मतलब इस तरह का हो। फिर ये लोगों को और एक रहता है कि 3 बार पूछा और जवाब दिया तो एक बार काउंट करना, ऐसा 3 बार करना, मतलब कितना हो गया, 9 बार हो गया। तो बाजू वाले परेशान, सब घर के लोग, उनको वो करने लगाते, नहीं किया तो फिर चिड़चिड़ करना, चिल्लाना, चीखना, धूमधाम करना, फिर चल हो जाता है। तो ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी वाले जो लोग हैं उनको पहले सतर्क करना कि भाई तुमको ये हो सकता है, ये इतने लफड़े में मत पड़ो, परफेक्शनिस्टिक जो एटीट्यूड है उसमें बंद करो, चलता है, हाथ लग गया इधर उधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ के, भाई उनको एजुकेट करना सिखाना, नंबर एक। और नंबर दो, जब ये आते हैं एज ए पेशेंट करके, तो जितना जल्दी इलाज कर सके उतना अच्छा है, जितना पुराना हो गया यह प्रॉब्लम तो उतना करना कठिन है। लोग हमारे पास में आते 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल, 10-10 साल हो गए अब हमारे पास में आते, कि अभी बहुत ज़्यादा हो गया। इसके बदले ये एजुकेशनल वीडियो है, इसके बदले यदि जल्दी मालूम पड़ा आपको कि नहीं अपने आजू बाजू वाला ऐसा कर रहा, तुरंत लेके आ जाओ, ये व्यक्ति कोई पागल नहीं है, इलाज किया तो जल्दी अच्छा हो जाएगा। उन्होंने बहुत सारे लोगों को अच्छा किया है जब वो जल्दी आ गए तो। अच्छा जल्दी नहीं आए तो, जल्दी नहीं आए तो हम उनको देते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT, फिर उनको देते हैं एवर्सिव थेरेपी, एवर्शन थेरेपी, फिर डी कंडीशनिंग के कुछ प्रोसीजर्स, हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी, और उसके साथ साथ फिर ड्रग थेरेपी, मेडिसिन थेरेपी। मेडिसिन में SSRI जो है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअप्टेक इनहिबिटर, बहुत कारगर है। उसके साथ साथ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन में क्लोमिप्रामिन, जो 25 मिलीग्राम की गोली आती है वो मैं 200, 225, 300 मिलीग्राम तक देता हूँ पर डे। SSRI में फ्लॉक्सेटिन 60 मिलीग्राम 90 मिलीग्राम पर डे, रेस्पिरिडॉन में 0.5 मिलीग्राम 1 मिलीग्राम पर डे, मतलब ऐसे इस तरह का हम देते हैं। बहुत कुछ नींद आ रही है तो उसके साथ साथ पेंटोप्रेजॉल ओमेप्रेजॉल ऐड करना पड़ता है। रिलैक्सेशन थेरेपी सिखाएं, और उनको ये हम बताते बार 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 कि भाई देखो ये जो निगेटिव विचार आ रहे हैं ये आप ला रहे क्या, बोलता नहीं वो ऑटोमेटिक आ रहे, तो इसका मतलब ये जब ऑटोमेटिक आ रहे हैं तो ये सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं, ऑटोमेटिक विचार आ रहे हैं। तो अभी आपको ये ट्रेनिंग लेना है, हम ऐसा बोलते हैं कि वो विचारों को देखो कि ये विचार आ रहे हैं, वो विचार मैंने हूँ और मैंने विचार वो लाया नहीं है, तो क्या स्थितप्रज्ञ होकर विचारों को देख सकते हैं। तो हम लोगों को स्थितप्रज्ञता सिखाते हैं, शून्यावस्था में जाना सिखाते हैं, समाधि अवस्था में जाना सिखाते हैं, कि वो आ रहा विचार जा रहा, आ गया एखादा विचार जा रहा, उसके ऊपर कृति मत करो, एक्शन मत करो। जब एक्शन करते हैं तो क्या होता है, एक्शन करने के बाद में आपको अच्छा लगता है, रिलैक्स हो जाते हैं, विचार आया हाथ धो लिए अच्छा लग गया, तो फिर विचार आता, फिर विचार, फिर हाथ धोते, तो फिर ये कंटिन्यू चलो जाता है। तो हम सिखाते उनको कि भाई विचार आ गया, हाथ धोने का विचार आया तभी भी हाथ धोना नहीं है, अपने आप को रिलैक्स करके बैठ जाना है, शांत एकदम रिलैक्स, देखना है विचार कि विचार आ रहा है या ऑटोमेटिक है, मैंने लाया नहीं है, क्या कर सकते देखते हैं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, और उसको देखने दो विचारों को, ऑटोमेटिक है उसको एहसास होने दो। ये ट्रीटमेंट है ना, इसको बहुत टाइम लगता है, 4 से 6 महीने कभी कभी लग सकते हैं अच्छा होने को, और तब तक लोगों ने सहन करना चाहिए, ट्रीटमेंट सहन करना चाहिए और बीमारी भी सहन करना चाहिए। ये करेंगे तो डेफिनेटली फ़ायदा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको फ़ायदा हुआ और आज वो अच्छा जीवन जी रहे हैं। होता ही नहीं है, छोड़ दो, ये संभव ही नहीं है, ये तो गया ही है, ऐसा बोल के कुछ नहीं होने वाला। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। मैंने बताया कि अभी जो आंकड़े आए उसमें 100 में से 2 लोग, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को बीमारी है और आते नहीं डॉक्टर की तरफ और सफ़र हो रहे हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपका ख्याल रखिएगा, आपका परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य है। थैंक यू वेरी मच।